अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रोग्रामिंग फंडामेंटल का कोर्स। ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो BScS, BSIT, BS साइबर सिक्योरिटी, कंप्यूटर इंजीनियरिंग या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में स्टडी कर रहे हैं। ये सबसे पहले ये फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है। इसमें ये सब्जेक्ट पढ़ाने का मकसद क्या होता है, ताकि आपकी कंप्यूटर की बेसिक्स जो हैं, प्रोग्रामिंग की बेसिक्स स्ट्रॉन्ग हो सकें। अगर आप कंप्यूटर की फील्ड के अंदर आए हैं तो प्रोग्रामिंग से आपको डील करना ही पड़ेगा, तो इसलिए अपनी बेसिक्स को आप स्ट्रॉन्ग करें। अगर आप इसकी बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आगे आप डिग्री के अंदर सर्वाइव नहीं कर सकते। और कुछ स्टूडेंट होते हैं जो FSC करके कंप्यूटर की फील्ड में आ जाते हैं, तो उनको फर्स्ट 2 semesters तो पता ही नहीं चलता कि वो क्या करें आगे, किस तरह आगे सर्वाइव करेंगे। उनको कोई डील मतलब गाइड नहीं करता, उनको अच्छी गाइडेंस नहीं मिलती। इसलिए मैं आपको ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि आप प्रोग्रामिंग को अब अभी से स्टार्ट कर दें। अपनी प्रैक्टिस के अंदर जब लेके आएंगे प्रोग्रामिंग को, तो आप उसमें बेहतर होते चले जाएंगे। किसी चीज़ की अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते तो उसमें आप बेहतर नहीं हो सकते कभी भी। तो इसलिए मैं FSC वाले स्टूडेंट्स को भी कह रहा हूँ, जो FSC करके कंप्यूटर की फील्ड में आए हुए हैं, वो इस लेक्चर को ज़रूर समझें, क्योंकि जिन्होंने ICS किया हुआ है उनके लिए प्रोग्रामिंग फंडामेंटल समझना या करना मुश्किल नहीं है। ये ज़्यादा मुश्किल किन के लिए होता है, जिन्होंने FSC की होती है और कंप्यूटर फील्ड में आए होते हैं। चलिए हम अपने कोर्स की तरफ चलते हैं, इसकी आउटलाइन देखते हैं और इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो जी गाइस, ये है हमारी कोर्स आउटलाइन। इसके अंदर हम प्रोग्रामिंग को पहले इसका इंट्रोडक्शन करेंगे, इसकी बेसिक्स को अंडरस्टैंड करेंगे, इसके प्रोसेसेस क्या हैं ये अंडरस्टैंड करेंगे। उसके बाद हम सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम C++ लैंग्वेज को यूज़ करेंगे। C++ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसको आगे हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। पहले हम इसकी कोर्स आउटलाइन आपको दिखा दी है, इसी तरह हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। सबसे पहले आज का जो लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि प्रोग्राम क्या है। प्रोग्राम होता है स्टेप टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। कोई भी आपके पास प्रॉब्लम है, उसको अगर आपने सॉल्व करना है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रोग्राम। जिस तरह अगर आप सपोज कर रहा हूँ मैं, आपने 2 numbers को ऐड करना है, 2 numbers को ऐड करना एक प्रॉब्लम है, तो उनको किस तरह ऐड करोगे आप? वो जी पहले फर्स्ट नंबर एंटर हो, उसके बाद प्लस का साइन आए, देन सेकंड नंबर एंटर हो। एंटर होने के बाद इसका हमें जो रिजल्ट मिले वो इनको ऐड करके जो बनता है वो हमें रिजल्ट मिल जाए, तो ये प्रॉब्लम है, सही है। इसके लिए जो आप स्टेप्स लिखोगे, जो प्रोग्राम करोगे, वो हमारे पास क्या होगा, प्रोग्रामिंग होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या चीज़ है? अगर आप डिफरेंट प्रोग्राम्स बनाते हो, छोटे छोटे प्रोग्राम बनाए, उनका आप जब कंबाइन कर लेते हो, वो क्या बन जाता है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बन जाता है। किस तरह, मैं आपको बताता हूँ। जिस तरह आपने अगर कैलकुलेटर के लिए पहले एक प्रोग्राम बनाया जी प्लस का, वैल्यूज को प्लस करने का, फिर आपने प्रोग्राम बनाया माइनस करने का, फिर किया डिवीजन करने का और मल्टीप्लाई करने का, ये एक आपने कैलकुलेटर का बनाया, डिफरेंट प्रोग्राम बनाए, 4 programs आपने बना लिए, इनको जब कंबाइन करते हो, कंबाइन करने के बाद एक छोटा सा सॉफ्टवेयर बन जाता है। वैसे आप इसे कहते हो प्रोग्राम हो, लेकिन आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, तो उस कहते हो आप सॉफ्टवेयर बन गया जी, क्योंकि इन सबका कंबिनेशन है ये। कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स एंड रिलेटेड डाटा दैट प्रोवाइड्स इंस्ट्रक्शन टेलिंग अ कंप्यूटर व्हाट टू डू। देखें अब कि एक आपने कैलकुलेटर डिजाइन किया है, वो बता रहा है, कैलकुलेटर कंप्यूटर है, वो बता रहा है भाई प्लस दबाऊंगा तो क्या होगा, वैल्यूज को ऐड कर देगा, माइनस करेंगे तो वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देगा, वहां से वैल्यू को कम कर देगा। तो ये क्या है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। आगे इसकी 2 types हैं, एक है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। पहले हम करेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है। सिस्टम सॉफ्टवेयर की एग्जांपल आपको देता हूँ। आपने विंडोज का वर्ड सुना होगा कि मेरे कंप्यूटर की विंडो कर दें, ठीक है, तो ये क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इसको आप जो विंडोज नेम कहते हो, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसे कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, तो वो क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ऐसा सॉफ्टवेयर जो किसी भी सिस्टम को रन करने के लिए काम आ रहा हो, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। तो प्रोवाइड्स अ बेसिक फंक्शन फॉर कंप्यूटर यूजर्स प्रोग्राम दैट सपोर्ट द एग्जीक्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ अदर प्रोग्राम्स। इसका क्या मतलब है, जो ये लाइन पढ़ी है आपने, जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर पर इंस्टॉल किया, विंडो आपने इंस्टॉल की, तो उसके अंदर आप डिफरेंट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हो। जैसे आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इंस्टॉल किया, VLC प्लेयर किया, डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं। अब उनको जो आप चला रहे हो वो किस तरह चल रहे हैं, वो किसकी वजह से चल रहे हैं, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर की वजह से चल रहे हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर उन्हें रन कर रहा है।
तो प्रोग्राम्स दैट सपोर्ट द एग्जीक्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ अदर प्रोग्राम्स, जो अदर प्रोग्राम होते हैं उनको जो रन करने के लिए काम आ रहा होता है वो क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। आगे है इसकी टू टाइप्स, एक है ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ठीक है, एक ट्रांसलेशन सिस्टम्स। ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या चीज़ हैं, विंडोज, लिनक्स, मैक, ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। अभी तक जो स्टूडेंट्स हैं काफ़ी लोगों ने विंडोज का ही पता होगा, लिनक्स का भी नहीं पता होगा, मैक का भी तकरीबन पता होगा, सही है। तो ये क्या हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जो कंप्यूटर के ऊपर इंस्टॉल हो सकते हैं। जिस तरह विंडोज़ वर्क करती है इस तरह लिनक्स भी वर्क करेगी, लेकिन इनकी फंक्शनैलिटीज कुछ और होती हैं लिनक्स की, विंडोज़ की और हैं। मैकबुक एप्पल के लिए यूज़ हो रही होती है। ट्रांसलेशन सिस्टम्स क्या हैं, ट्रांसलेशन सिस्टम्स कि आपने ट्रांसलेटर्स बनाने हैं, जिस तरह कंपाइलर बनाना है, असेंबलर डिज़ाइन करना है। अभी आपको कंपाइलर का भी नहीं पता कंपाइलर क्या है, असेंबलर क्या है, आगे तीन चार लेक्चर्स के बाद आपको समझ आ जाएगी कि कंपाइलर क्या है और असेंबलर क्या है, कि आपको डिफरेंस आपको कंप्लीटली पता चल जाएगा। आगे नेक्स्ट है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के अंदर है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, ये इजी है, ये आपको समझ आ जाएगी। जिस तरह कंप्यूटर के ऊपर आप VLC प्लेयर इंस्टॉल करते हो वो क्या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। आपने क्या किया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल किया, वो क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर चल रहा है, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। जिस तरह मोबाइल के ऊपर कोई एप्लीकेशन आप रन कर रहे हो किसी भी चीज़ की, वो क्या होती है एप्लीकेशन, आप कहते हैं ऐप, उसकी एप्लीकेशन होती है एप्लीकेशन, ठीक है, वो एंड्रॉयड एप्लीकेशन वैसे होती है सेलफोन की, तो मोबाइल एप्लीकेशन। तो ये क्या होगी, इसकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा, ये डेवलप फॉर सम सर्टेन पर्पज एंड एप्लीकेशन। मतलब कि आपने जो VLC प्लेयर अगर डिज़ाइन हुआ है आप उसे चला रहे हो, वो सर्टेन पर्पज के लिए है ना, कि आप सॉन्ग्स वीडियोस के लिए चला सकते हो। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आप जो डिज़ाइन किया गया वो किस लिए डिज़ाइन किया गया, आप उस पर डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सको, वो एक स्पेशल पर्पज के लिए था। तो ये क्या होते हैं हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स, इनकी एग्जांपल्स दी हुई हैं, ये आपको बता चुका हूँ, इसको आप पढ़ लें। आगे है वाई प्रोग्रामिंग, कि हम प्रोग्रामिंग करने ही क्यों जा रहे हैं, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ के अंदर जितनी भी मशीनरीज तैयार हो रही हैं, जितने भी सॉफ्टवेयर्स बन रहे हैं, वो क्या प्रोग्रामिंग से ही बनते हैं। कोई भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं वो प्रोग्रामिंग से ही बनेगा, तो इसलिए हम इसे स्टडी करने जा रहे हैं। आगे चलते हैं कि कंप्यूटर लैंग्वेज क्या है। कंप्यूटर लैंग्वेज ये है कि जिस तरह हमारी एक नेशनल लैंग्वेज होती है जो हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इसी तरह कंप्यूटर की एक अपनी एक लैंग्वेज है कि जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकता है। तो वो क्या होती है, एक हमारे पास क्या है लो लेवल लैंग्वेज है, दूसरी है हाई लेवल लैंग्वेज। सबसे पहले हम लो लेवल लैंग्वेज की टाइप्स को देखते हैं, उसमें मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज है। जो मशीन लैंग्वेज होती है ये कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेज होती है ओरिजिनली, इसे आप कहते हो भाई ये इसकी अपनी लैंग्वेज है, इसे ईजिली अंडरस्टैंड कर लेता है। तो कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेज है, ये बाइनरी फॉर्म में होती है, 0100 की फॉर्म में होती है, मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, 0001 की फॉर्म में, ये बाइनरी फॉर्म है। अगर हम किसी इंसान को बताएं कि भाई 8 का बाइनरी ये है 1000, सही है, तो ये इसका क्या है बाइनरी नंबर है। तो अगर हम उसे ये कह दें जी ये बाइनरी है 9 का, ये बाइनरी सॉरी हम बाइनरी ना बताएं, हम उसे कहें भाई ये 9 नंबर है, ये 9 लिखा हुआ है, वो कहता नहीं ये 9 नहीं है, क्योंकि जो इंसान है वो ये अंडरस्टैंड कर सकता है ये नंबर, तो वो बाइनरी इजीली अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। तो मशीन लैंग्वेज जो है जो कंप्यूटर की लैंग्वेज है वो कंप्यूटर ही समझ सकता है, इंसान की जल्दी समझ में ये आने वाली नहीं है। आगे चलते हैं, अब मशीन लैंग्वेज से जो अपर लैंग्वेज है एक स्टेप फर्दर जो है वो है असेंबली लैंग्वेज, ठीक है, लेकिन असेंबली लैंग्वेज कंप्यूटर से डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं करता, सही है, लेकिन इसे स्पीडली एग्जीक्यूट कर देता है, सही है। तो पहले देखते हैं असेंबली लैंग्वेज है क्या। ये इंग्लिश वर्ड्स की फॉर्म में होती हैं, डिफरेंट फॉर्मेट्स होते हैं इसके, थोड़ी सी टफ भी होती है, तो इसके अंदर डिफरेंट करेक्टर्स यूज़ हो रहे होते हैं। तो ये असेंबली लैंग्वेज कंप्यूटर किस तरह अंडरस्टैंड करता है, इसके अंदर एक ट्रांसलेटर होता है जिसे हम कहते हैं असेंबलर, असेंबलर यूज हो रहा होता है, जो करता क्या करता है असेंबली लैंग्वेज को ऑब्जेक्ट कोड के अंदर कन्वर्ट कर देता है। ऑब्जेक्ट कोड क्या, अब न्यू वर्ड है ये, एक ऑब्जेक्ट कोड का मैंने वर्ड यूज़ किया, ये क्या होता है ये मशीन लैंग्वेज का कोड होता है। मतलब कि एक लैंग्वेज आपने लिखी हुई है असेंबली में, जब वो असेंबलर से पास होगी तो वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाएगी, सही है, वो क्या होगी ऑब्जेक्ट कोड हो गया, सही है। तो वो क्या है ऑब्जेक्ट कोड। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है हाई लेवल लैंग्वेज, कि हाई लेवल लैंग्वेज क्या है।
आपको बता दूं कि हाई लेवल लैंग्वेज इंसान इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है, जो प्रोग्रामर जो हम पढ़ने ही वाले हैं, क्या हाई लेवल लैंग्वेज ही पढ़ने वाले हैं, जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है ये इंसान इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है, कंप्यूटर इसे इजीली अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, इसे अंडरस्टैंड करता ही नहीं है, इंसान अंडरस्टैंड करता है। अब कंप्यूटर को ये लैंग्वेज समझाने के लिए हमें किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, वो होगा ट्रांसलेटर, सही है। हाई लेवल लैंग्वेज समझाने के लिए कंप्यूटर को, उसके लिए ट्रांसलेटर यूज़ होगा, वो क्या करेगा, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा, उसमें डिफरेंट ट्रांसलेटर्स हैं, और ट्रांसलेटर में सबसे पहले जो हमारे पास आता है वो है कंपाइलर, ये कंपाइलर का वर्ड लिखा हुआ है। कंपाइलर क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को वो लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, मीन के मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। जिस तरह एक प्रोग्राम आपने लिखा हुआ है हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर, उसको कन्वर्ट करने के लिए दरमियान में कंपाइलर यूज़ होगा, जिसे आप कहते हो कंपाइलर, यहाँ पे कंपाइलर यूज़ होगा, फिर उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, मशीन लैंग्वेज में, दरमियान में ये ट्रांसलेटर है। हाई लेवल लैंग्वेज में इंग्लिश वर्ड्स, मैथमेटिकल नोटेशंस, डिफरेंट कैरेक्टर्स यूज़ हो रहे होते हैं, बाकी इसको आप इंग्लिश पढ़ना जानते हैं इसको आप पढ़ लीजिएगा, सिर्फ मेरा मकसद है आपको कॉन्सेप्ट समझाना, तो बाकी स्लाइड तो हर कोई रीड करवा सकता है। तो अब आगे नेक्स्ट जो हाई लेवल लैंग्वेज हैं वो कौन कौन सी हैं, सी लैंग्वेज से आप वाकिफ होंगे अगर आपने ICS किया होगा, अगर ICS नहीं किया होगा FSC की कोई मुश्किल नहीं है, सी लैंग्वेज होती है। फिर सी का नेक्स्ट वर्जन कह सकते हैं आप, वो क्या है, C++ है। फिर जावा, ये भी हाई लेवल लैंग्वेज है, फोटोन, C#, ये क्या है, ये एक हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, ये इंसान इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है, कंप्यूटर से अंडरस्टैंड नहीं कर सकता डायरेक्टली, उसके अंदर कंपाइलर यूज़ होगा। आगे नेक्स्ट है कि अब प्रोग्रामिंग पैराडिग्म्स कौन कौन सी हैं, कि प्रोग्रामिंग की टाइप्स कौन सी हैं, आप ये कह सकते हो। सबसे पहले हमारे पास कौन सी प्रोग्रामिंग है, वह है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। प्रोसीजरल क्या होती है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होती है, हम इसे अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले है प्रोसीजरल। आप प्रोग्राम इज अ सीरीज ऑफ स्टेटमेंट्स कंटेनिंग वेरिएबल्स, जिन्होंने सी लैंग्वेज पढ़ी है, ठीक है, सेकेंड ईयर के अंदर, तो वो क्या थी, एक प्रोसीजरल लैंग्वेज थी। इसके अंदर डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, डिफरेंट स्टेटमेंट्स होती हैं, वो स्टेप बाय स्टेप, जैसे एक स्टेटमेंट आपने एग्जीक्यूट की वो स्टेट एग्जीक्यूट होगी, नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो आपने एग्जीक्यूट की वो स्टेट मतलब कि एग्जीक्यूट होगी, स्टेप बाय स्टेप चलता है, डिफरेंट प्रोसीजर्स होते हैं इसके अंदर, इसलिए हम कहते हैं इसे प्रोसीजरल लैंग्वेज। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है, आपको नाम से पता चल रहा होगा, ऑब्जेक्ट, जिसमें हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट से डील कर रहे होते हैं। ऑब्जेक्ट किस तरह, अगर आपने किसी शॉप का सॉफ्टवेयर बनाया है, किसी सुपर स्टोर का, उसके अंदर क्या होगा, उसका शैम्पू यूज़ हो रहा होगा, ठीक है, आपके पास डिटर्जेंट्स यूज़ हो रहे होंगे, डिफरेंट नेम है इनके, ये क्या है, ऑब्जेक्ट्स हैं, तो उनके नेम आप यूज़ कर रहे होते हैं, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, वो क्या सॉफ्टवेयर के अंदर यूज़ कर रहे होते हो, इसलिए हम इसे कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। आ प्रोग्राम इन दिस पैराडाइम कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैविंग अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स विच कम्युनिकेट विद ईच अदर बाय सेंडिंग मैसेज, ठीक है, वो प्रॉपर्टीज जो हो रही होती हैं, डिफरेंट जो उसके फंक्शन होते हैं वो इसे यूज कर रहे होते हैं। किस तरह, आपको एक कार की एग्जांपल देता हूँ, जैसे एक कार है, ठीक है, अ कार हैज एट्रीब्यूट्स, कौन कौन से, वेट और कलर। इसके एट्रीब्यूट्स क्या होंगे, इसका जो कलर है और वेट है कि कितना इसका वेट है, ये क्या होगा, इसके एट्रीब्यूट्स होंगे, जो इसकी फंक्शनैलिटीज होंगी वो क्या होगी, ड्राइव और ब्रेक, सही है। तो डिफरेंट आगे इसके फंक्शनैलिटीज हैं और इसकी एट्रीब्यूट्स हैं। आगे के ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कौन कौन सी, उसके अंदर जावा है, C# है, स्मॉल टॉक है, और बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, ये किस में आ रही होती हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर आ रही होती हैं। आगे नेक्स्ट है कि हम C++ करने जा रहे हैं, तो क्यों करने जा रहे हैं। सबसे पहली बात यह है कि आजकल जितनी भी एप्लीकेशन ज़्यादातर बनी हुई हैं वो C++ के ऊपर बनी हुई हैं, सबसे पॉपुलर लैंग्वेज है। दूसरी बात यह है कि हम प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के अंदर C++ इसलिए अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं क्योंकि ये लैंग्वेज सबसे बेसिक लैंग्वेज होती है, इससे आप इजीली अंडरस्टैंड कर लेते हो प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स के अंदर। उसके बाद आप किसी भी लैंग्वेज के ऊपर ट्रांसफर हो सकते हो, मतलब अगर आपने C++ पढ़ लिया उसके बाद आप जावा भी पढ़ सकते हो, जावा पढ़ सकते हो, C# पढ़ सकते हो, ठीक है, कोई भी अगली लैंग्वेज आप कर सकते हो। तो मेन लैंग्वेज आपके पास क्या होती है, C++ होती है, जिसके अंदर आपको ज़्यादा कुछ सीखने को मिलता है। C++ कैन बी फाउंड इन टू डेज ऑपरेटिंग सिस्टम और ग्राफिकल यूजर इंटरफेसिस एंड इम्बेडेड सिस्टम्स।
किन में यूज़ होती है? ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर यूज़ हो रही होती है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेसिस के अंदर और एम्बेडेड सिस्टम के अंदर। C++ एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, हम इसीलिए इसे यूज़ करने जा रहे हैं, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि ये पोर्टेबल लैंग्वेज होती है। जिस तरह आपने एक एप्लीकेशन बनानी है जी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जो विंडोज़ पर चले तो वो बन जाएगी, आपने एक एप्लीकेशन बनानी है जो मैकबुक पे चले मतलब मैकिंटोश पे चले तो वो क्या होगी वो बना सकते हो आप। C++ से आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी बना सकते हो। तो इसलिए सबसे पावरफुल लैंग्वेज कौन सी है? C++ है। आज के लिए इतना ही है। अब नेक्स्ट हमें करना है क्या? नेक्स्ट लेक्चर से हम करने वाले हैं अपना एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल जिसके ऊपर हम प्रोग्रामिंग करेंगे और क्या करेंगे उसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। उसके बाद बाकी तमाम चीज़ें पढ़ने वाले हैं, उसमें हैं फ्लो चार्ट, एल्गोरिदम्स, डिफरेंट। अभी हम 3-4 लेक्चर्स के अंदर थ्रेटिकली चीज़ें करेंगे। जब थीरी हमारी कंप्लीट हो जाएगी, जब थीरी कंप्लीट होगी उसके बाद हम प्रैक्टिकल वर्क पे वर्क शिफ्ट हो जाएंगे। तो प्रैक्टिकल वर्क में ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है, अब जो थ्रेटिकल वर्क होता है उसमें आप बोर हो रहे होते हैं। तो आज के लिए इतना ही गाइस। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको तमाम मिलती रहें। ओके, अल्लाह हाफिज़।